अब मैं आपकी और कोई बात नहीं मानूंगा अम्मी जान, और दिल अवैस को लेके यहां से जा रहा हूं। तो ये सब कुछ तेरा किया था राय श्रीनिवास? हाँ, चल मेरे साथ, चल चल मेरे साथ। हाँ मुक्का, हाँ मुक्का, सारी कारिस्तानी तेरी थी, ये सारा खा मुखा कर ड्रामा रचाया हुआ था तूने। मैं अपनी ममता तो मजबूर सी, मीरान ते फातिमा ते बाद मैं काशान ते औजान नु खोना नहीं चाहती सा। इसका मतलब ये नहीं है शलास कि तू हम लोगों से चालाकी करे। बहुत बड़ी गलती की है तूने शलास। ओ मलिक साहब, मैनू माफ कर दो। माफी तो तुझे भी जान से मांगनी पड़ेगी, क्योंकि तूने उनके फैसले के खिलाफ औजान को वरगलाया है। ओ मलिक साहब, अगर मैं इस तरह ना कर दी तो सानू दिलावेस ते काशान तो हत्तो ना पैंदा। मेरे तो बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तू इसे गलती कहती है शनास? और तूने बी जान और मेरे भरोसे को तोड़ा है, और हमारे भरोसे को तोड़ने का मतलब है तूने गुनाह किया है, और इसकी सजा तुझे जरूरी मिलेगी। ओ मलिक साहब, मैंने पता मेरे तो गलती हुई है, मैंने माफ कर दो, मैं आइंदा इस तरह की गलती नहीं करांगी। आइंदा तो तब होगा ना जब तू इस घर में रहेगी। ओ नहीं मलिक साहब, मेरी माफ। चल मेरे साथ, सारा फैसला भी जान करेगी। चल चल तू। पता नहीं कहाँ चला गया, फिर अकेला छोड़ के चला गया मुझे। वहां जाएगा आके मुंह बना के फिर बैठ जाएगा। कहाँ गए थे तुम? तुमने अपना सामान पैक कर लिया? हाँ कर लिया। एक काम करो, मेरा भी कुछ जरूरी सामान पैक कर लो, चलो। कहाँ जा रहे हैं हम? तो सवाल मत करो, जितना कहा उतना करो, जल्दी करो, हम यहां से जा रहे हैं। इस घर में सारे फसाद की जड़ यही है बीजान। अरबाज, क्या हुआ है? आज तक तो जो कुछ घर में होता रहा इसके सारे फसाद की जड़ ये है बीजान। क्या बात है अरबाज, क्या किया है इसने? हम लोग समझ रहे थे कि फातिमा की मौत के बाद इसको सदमा पहुंचा है, इसकी ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। तो क्या वो सब? सब इसका ड्रामा था बीजान। अरबाज साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? बीजान, दिलावेश की औजान के साथ शादी इसी की वजह से हुई है। शहनाज की वजह से? मां होने का फायदा उठाते हुए बीजान उसके जज्बात से खेला इसने, वरगलाया उसे। अपनी ममता की लाज रखने के लिए अपने बेटे के सामने हाथ जोड़े इसने। शहनाज, अरबाज जो कह रहा है वो सच है? बीजान, मेरे तो गलती हो गई है, मैनू माफ कर दो बीजान, मैनू माफ कर दो। इसने जान बूझ कर हमें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया है बीजान। बीजान, बीजान, मैं अपनी ममता के हक मजबूर होकर ऐ किता है। बीजान, इसने जो गलती की है वो काबिले माफी नहीं, इसकी सजा इसको जरूर मिलनी चाहिए। अब समझ आया कि बीजान दिलावेज बीबी और अजान साहब से क्यों नाराज है। अभी राजदा बीबी को बताती हूँ। राजदा बीबी, आज जो मैंने देखा और सुना ना, वो इससे पहले ना देखा था और ना सुना था। एक तो शाजमा, मैं तेरी पहलियां बुझवाने वाली आदत से ना बहुत तंग आ गई ना। मुझे सही सही बता, तूने क्या देखा क्या सुना? अरे राजदा बीबी, मैंने देखा बड़े मलिक साहब ना बड़ी बीबी को घसीटते हुए बीजान के कमरे तक ले जा रहे थे। तो शाजमा, तू सच कह रही है? आपकी कसम राजदा बीबी। ना मेरी कसम क्यों खा रही है? कसम खाने के लिए तुझे मैं ही मिली हूँ। अच्छा अच्छा, अब नाराज ना हो। मेरी कसम, अपनी कसम, बस ठीक है अब।
अच्छा चल बता क्या सुना तूने? हाँ, और मैं जब बीजान के कमरे में गई ना तो मैंने सुना बीजान दिलावेस की औजान के साथ शादी इसी की वजह से हुई है। शहनाज की वजह से? माँ होने का फायदा उठाते हुए बीजान उसके जज्बात से खेला इसने, वरगलाया उसे। ये क्या कह रही है तू? अरे राजदा बीबी, जो मैंने देखा और सुना है ना, बस वही बता रही हूँ आपको। हाय हाय, किथे गई? हेलो राजदा बीबी। मैं ठीक है शाजमा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हैं, इन्हें क्या हुआ? इतनी बड़ी खबर दी, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं है। बीजान इसने जो हरकत की है उसकी सजा अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं इसको सजा दूंगा। क्या सजा देगा तू इसको? तलाक दे दूंगा बीजान इसको। अरबाज, ओ मलिक साहब, माफ कर दो, वो मेरे तो गलती हो गई है, और आगे ऐसा नहीं होएगा, मैंने माफ कर दो। बीजान इसने जो हमारे साथ किया है इससे बेहतर सजा और कोई हो भी नहीं सकती है। तलाक देने की जरूरत नहीं है, तू जा यहां से, मैं करती हूं इससे बात। ठीक है विचार, जाओ चलो। क्यों क्यों किया है तूने ये सब? बीजान, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा आंधी निशानी साढ़े तो दूर हो जाए। अगर दिलावेज दी मैं हौजान नाल शादी ना करांदी तो दिलावेज काशान लेके चली जाती। ऐसे कैसे ले जाती? काशान हमारा खून है, इसकी इतनी हिम्मत नहीं है। शहनाज, तुझे मुझसे बात करनी चाहिए थी। बस बीजान, मेरे तो गलती हो गई है, मैनु माफ कर दो। मलिक साहब अगर मैनु तलाक दे देंगे तो मैं किधर जावांगी? ना बेटा, बहुत अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ चले आए, ऐसे घर में रहने का क्या फायदा जहाँ कोई इज्जत ही ना हो। आंटी, क्या आप कुछ दिनों के लिए दिलावेस को अपने पास रख सकती हैं? ना तुम घर वापस जा रहे हो? नहीं आंटी, मैं दूसरे घर का बंदोबस्त करने के लिए कराची जा रहा हूँ। ना तुम कहीं नहीं जा रहे हो, ये भी तुम्हारा अपना ही घर है, जब तक दिल चाहे यहीं रहो। नहीं आंटी, मुझे अच्छा ही लगेगा यहाँ रहना, घर दामाद बन के। ना ना, दामाद क्यों? औजान तू भी मेरे बेटे जैसा है। नहीं आंटी, आप औजान अम्मी इतनी मोहब्बत से कह रही है तो आप मान क्यों नहीं जाते? इसका मतलब है तू मुझे गैर समझता है। औजान मान जाओ ना, वरना अम्मी बुरा महसूस कर जाएंगी। पकौड़ी तो खा, तेरे लिए बनाई मैंने। ये आपका रूम और ये आपके चेयर, जहां आप बैठेंगे प्लीज। क्या हुआ शहरयार? मुझे डैड की याद आ गई। खैर, तुम कहाँ बैठोगे? अब तुम आ गई हो तो मेरी छुट्टी, मैं घर बैठूंगा।
ये क्या बकवास है, बिल्कुल भी नहीं। तुम यहीं इसी ऑफिस में बैठोगे मेरे साथ। अब इस ऑफिस की बॉस तुम हो, अब इस पे तुम्हारा हक है। मैं तो आरजी बैठा हुआ था। जी, तो फिर इस कंपनी की चेयरमैन होने की हैसियत से मैं तुम्हें ये ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम यहीं बैठोगे इसी ऑफिस में मेरे साथ, और आप एक परमानेंट एम्प्लॉई हैं। ओके बॉस, जो आपका हुक्म। बाय द वे, मैंने अपना रूम सेट करवा लिया है। फिर ठीक है। अच्छा एक मिनट, मैं एक मिनट में आया। This is for you. अच्छा। अगर आप इन फूलों को मुस्कुरा के देख लेंगी तो ये भी खिल उठे। चलो, तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट तो आई। चलो आजो, बाकी स्टाफ से मिलवा दो। प्लीज, थैंक यू। तेरी मत तो नहीं मारी गई अरबाज, जो तू शहनाज को तलाक देने की बात कर रहा है। बीजान, एक बात आप मुझे बताएं, उसने जो कुछ किया ठीक किया? उसने जो किया गलत किया है, पर तू क्यों जज्बाती हो रहा है? माफी मांग ली है उसने मुझसे अपनी गलती की। खुदा ने माफ कर दिया उसे? हाँ, माफ कर दिया है मैंने उसे। से अपनी गलती का एहसास हो गया था। इज्जत है वो हमारे कार की, बहू है वो हमारी, बीवी है वो तेरी। बीजान, वो नाश्ता लगा दिया। ओजान और दिलावेज के कमरे में नाश्ता पहुंचा दिया है? नहीं बीजान। क्यों बीजान? अजान साहब और दिलावेज बीबी तो कल रात में ही कहीं चले गए थे। क्या? जी बीजान, और उनके हाथों में ना कुछ बक्से भी थे। किधर गए हैं वो? ये तो मुझे नहीं पता बीजान। तो तूने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं आके बताया? बीजान माफ कर दे, मैंने सोचा आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तू जा यहां से। इसी औरत की वजह से सारा कुछ हो रहा भी जान, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा। कितना सुकून है ना यहाँ पे, वहां पे तो मेरा दम घुटता था। ऐसी सजा तो चोरों को भी नहीं दी जाती जैसे वहां हमारे साथ करते थे, और ऊपर से हद ये है कि। प्लीज दिलावेज, चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर आ चुका हूं मैं, अब कम से कम मुझे यहाँ तो सुकून से रहने दो। सिर्फ मेरी वजह से नहीं, तुम अपनी वजह से भी छोड़ के आयो, बिना वजह के मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। शोर तो तुमने डाला हुआ था ना? हाँ तो आंखें तो तुम्हारी भी थी ना, तुम्हें अपनी बेइज्जती महसूस नहीं होती? मैंने जो भी किया था अपनी माँ की खातिर किया था, और अब तुम्हारी वजह से मैंने उनको भी छोड़ दिया है। चलो भाई, अब तो हर इल्जाम मेरे ऊपर ही आ रहा है, मैं ही गलत हूँ, बाकी सब तो दूध के धुले है ना। खुदा के लिए दिलावेज, मुझे सुकून से रहने दो, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी और मुश्किल में चली गई है यार। हाँ तो छोड़ दो ना मुझे, कर लो अपनी उस पुरानी महबूबा से शादी जिसने तुम्हें धोखा दिया। विल यू प्लीज कीप योर माउथ शट दिलावेज। ये क्या था? सड़ी तो कैसा लग रहा है तुम्हें यहाँ? बहुत अच्छा।
स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। जनाब बड़ी मेहनत की है बॉब ने। तुम ठीक कह रहे हो शरियार, सुल्तान अंकल के बहुत एहसानात हैं मुझ पर। डैड बहुत भरोसा करते थे उन पर। अच्छा सुनो, लंच ब्रेक हो गया, भूख नहीं लग रही? ओ हाँ, लंच कहाँ करते हो तुम? यार कभी ऑफिस में कर लेता हूँ, कभी बाहर चला जाता हूँ। अच्छा चलो फिर आज ऑफिस में मंगवा लेते हैं। नहीं बाहर चलते। चलो ठीक है, आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू। गुड, चलो। किसी खसूसियत की मेरी तुम्हें अंदाजा तो हुआ। ये खसूसियत तुम्हारी आज की नहीं, कॉलेज के जमाने से चलती आ रही है। अच्छा प्लीज जल्दी चलो ना यार, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा ओजान को हुआ क्या है। यकीनन तुम्हारे खिलाफ किसी ने भड़काया उसे। शायद इसी में अल्लाह ताला की बेहतरी है। यार वो तो तुम्हारी मोहब्बत के दम बढ़ता था, तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि बरसों पुरानी मोहब्बत को पल भर में रौंद दिया? जिन्हें छोड़कर जाना होता है उनको बहानों की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए मेरा तो मोहब्बत पर से एतबार उठ गया है। खाइजा उसे अंदाजा ही नहीं है कि उसने क्या खो दिया। ऐसा तो तुम समझते हो, क्या पता वो बहुत मुतमईन हो। कुछ भी है मुझे तो बहुत गुस्सा है उस पर। मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ। भूल जाओ यही बेहतर है, क्योंकि वो इसी लायक है, और मैं तो अब उससे बात भी नहीं करूंगा। तुम मेरी वजह से अपनी दोस्ती क्यों खराब करोगे? जब वो तुम्हें छोड़ सकता है ना, तो मेरी क्या हैसियत है। खैर चेंज करो लाइफ को और मूड भी ठीक करो अपना। अब तुम शहर आ गई हो, बताओ क्या खाना है? मलिक साहब मैंने माफ कर दो, दोबारा इस तरह की गलती नहीं होगी। चला की डर से। मलिक साहब हमें सारी जिंदगी तुम्हारे नाल वफा कीती है, और तुसी इस तरह ना करो। तेरी वजह से शनास, तेरी वजह से औजान इस घर से गया। ओ मैं ते चांदी सी के साडे बच्चे साडी अखां दे सामने रहन, और मैनू की पता सी कि सब कुछ गलत हो जाएगा। तेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि इससे भी बुरा होना चाहिए था। ओ शुक्र कर बीजान का कि उन्होंने मुझे रोक लिया, वरना तू इस घर में क्या, मेरी जिंदगी से भी निकल जाता। हट परे।